आज हम सीखेंगे एक्सेल में कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। सेल फॉर्मेटिंग से मतलब होता है सेल का बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर। यहाँ आप अपनी टेबल में से अगर कोई नंबर या कोई डिजिट छांटना चाहते हैं तो वो आप सेल फॉर्मेटिंग के ज़रिए सीधे सीधे छांट सकते हैं। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक टेबल है और आपको इसमें से पता करना है कि इस टेबल में कितनी वैल्यू जो हैं वो 10 से छोटी हैं। तो क्या आप एक बार में देखकर उसको छांट सकते हैं? नहीं, हम सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके एक सेकंड में ये पता लगा सकते हैं कि कितनी वैल्यू इस टेबल में 10 से छोटी हैं या किसी खास नंबर से बड़ी हैं या कितनी वैल्यू इस टेबल में डुप्लीकेट हैं। इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग मेन्यू में जाइए। यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स दिए गए होते हैं जिसमें कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इस टाइप के टूल्स दिए गए हैं। डुप्लीकेट वैल्यू के लिए भी ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेटर देन ऑप्शन कैसे काम करता है। आप ग्रेटर देन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कोई एक खास नंबर डाल दीजिए जिससे ऊपर की वैल्यू आपको छांटनी हो। मान लीजिए मुझे पता करना है कि मेरी टेबल में 100 नंबर से ऊपर के कितने वैल्यू हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 लिखा, तुरंत दो वैल्यू 101 और 102 छटकर मेरे सामने आ गई। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दो वैल्यू मेरे पास 100 से ऊपर की हैं। अगर आप चाहें तो इसका कलर, जो सेल फॉर्मेटिंग है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में रेड कलर है और फॉन्ट का कलर भी रेड है, डार्क रेड है। अगर आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, जैसे येलो फिल कर सकते हैं और डार्क येलो टेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया। इसी तरीके से आप ग्रीन फिल और डार्क ग्रीन वैल्यू भी दे सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए। अब इतने एरिए में, जितना हमने सिलेक्शन किया है इतने एरिए में आप कोई भी वैल्यू अगर 100 से ऊपर की टाइप करेंगे तो वो अपने आप डार्क ग्रीन कलर की शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें पुरानी फॉर्मेटिंग हटानी होगी। इसके लिए आप सिर्फ इस मेन्यू को खोलिए और क्लियर रूल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लियर रूल्स में दो चीज़ें दे रखी हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्टेड सेल्स में से ही इस रूल को जो हमने अभी अप्लाई किया है उसे हटाना है तो आप सेलेक्टेड सेल्स का यूज़ कीजिए, अन्यथा आप एंटायर शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सेलेक्टेड रूल में सेल में यूज़ किया है तो इसको हम क्लिक कर देंगे। ये पुराना वाला रूल हमारा हट जाएगा जो हमने 100 से ऊपर के लिए लगाया था। अब हम चाहते हैं कि इसमें वो सेल्स हमें दिखाई दें जिनकी वैल्यू 50 से या 30 से कम है। तो हमने यहाँ पर 30 लगा दिया। 30 से कम वैल्यू वाले इसमें काफ़ी सारे सेल्स हैं। वो एक सेकेंड में हमें नज़र आ गए कि ये सारे सेल्स 30 से कम वैल्यू वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो सेल हमें दिखाई दें जो 10 से कम वैल्यू वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 10 टाइप किया और 10 से छोटी वैल्यू वाले जितने भी सेल हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से उसका रंग और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और फॉर्मेटिंग सीखेंगे। इस रूल को हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो संख्याएं हम देंगे और उसके बीच की नंबर्स को हम पता करेंगे। हम बिटवीन वैल्यू खोल देते हैं और हम पता करते हैं कि यहाँ पर 50 से 30 नंबर के बीच के कौन कौन से डिजिट हैं। तो हम यहाँ पहले वाले में डालेंगे 30 और एंड 50। आप देखेंगे 30 से 50 नंबर के बीच की जितनी भी वैल्यू हैं वो यहाँ पर हाईलाइट होने लगी हैं। फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन। तो सेल फॉर्मेटिंग हमारे लिए इतना यूज़फुल है, ये हमें एक सेकेंड में बता देता है कि हमने जो भी डिजिट या नंबर टाइप किए हैं उनको हम कैसे छांटें। बड़े आराम से आप उन चीज़ों को छांट सकते हैं। अभी हमें पता करना है कि हमारे इस टेबल में कितनी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं। तो सिर्फ आप डुप्लीकेट वैल्यू पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं, सिर्फ 95, 84 और 102 ये वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है।
अब यहाँ पर आपको पता करना है कि कितनी वैल्यू यूनिक है, यानी कि कितने नंबर ऐसे हैं जो केवल पहली बार जिनका यूज़ हुआ है, तो यूनिक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर केवल 3 नंबर ऐसे हैं जिनका एक ही बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हमें बड़े आराम से पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू हमारी यूनिक है। यह है कंडीशनल सेल्फ फॉर्मेटिंग। इसका यूज़ आप ऑफिस में, घर में या अपने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाने में बड़े आराम से कर सकते हैं। मानिए आपकी क्लास के कुछ बच्चे हैं और आपने उनका रिजल्ट तैयार किया है, आपको पता करना है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 95 से ऊपर आए हैं। तो बस उस टेबल को सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल सेल्फ फॉर्मेटिंग लगाइए और ग्रेटर देन 95 कर दीजिए। तो जितने बच्चों के 95 से ऊपर नंबर आए होंगे वो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके और भी कई सारे यूज़ हैं, आप करके देखिए। अगर कोई समस्या आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर वीडियो आपका अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।